उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। बाघ 10 दिन के अंदर 2 ग्रामीणों को अपना निशाना बना चुका है। ताजा मामला झाऊ परसा गांव का है, जहां जंगल में घास काटने गए एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हुए बाघ के हमले में ग्रामीण को बचने का मौका नहीं मिला और उमा शंकर की मौके पर मौत हो गई। वहीं लगातार हो रहे बाघ के हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जल्द ही वन विभाग से आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और इसी दौरान वो घटी में पकड़ लिया है। और 5-6 लोग थे, वो अलग अलग किए तो गांव वाले गए। गांव वाले भी करीबन 70-80 या 100 लोग के लगभग में थे, उनको भी दौड़ा लिया है। फिर किसी तरह करके मतलब उनको भगा के लाया गया। हम चाहते हैं कि इस शेर को आदमखोर घोषित करके या तो इसको दूसरी जगह छोड़ दिया जाए या इसको मार दिया जाए। वहीं घटना की जानकारी होते ही वन विभाग की टीम सुरई वन रेंज से सटे झाऊ परसा गांव पहुंची। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी अकेले गांव के बाहर डैम क्षेत्र में घूमने ना जाए। साथ ही वन विभाग ने बाघ को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है और टनकपुर से पिंजरा मंगवा लिया गया है। इस क्षेत्र में जो है जो एक हमारा टाइगर हो गया है, 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी घटना घटित हुई है। इसके लिए हम टीमें लगा रहे हैं और पिंजरा भी लगा दिया गया है। पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और आगे भविष्य में जनहानि होने से रोका जा सके। आपको बता दें कि बाघ को पकड़ने के लिए शारदा डैम क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है। उम्मीद है कि जल्द इस बाघ को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही मृतक उमाशंकर के परिजनों को वन विभाग द्वारा जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।